सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि जूम को व्हाट्सएप की तरह कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जूम को व्हाट्सएप की तरह कैसे यूज करना है, कैसे हमने चैट करनी है, कैसे हमने जेपीजी फाइल शेयर करनी है, कैसे हमने पीडीएफ फाइल शेयर करनी है, कैसे वीडियो कॉल करनी है, कैसे ऑडियो कॉल करनी है व्हाट्सएप की तरह। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि जूम पे व्हाट्सएप की तरह ग्रुप कैसे क्रिएट करना है। और अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी भी पर्सन के साथ व्हाट्सएप की तरह जूम पे कैसे चैट करनी है। ये सभी देखने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अभी मेरे पास 2 फोन है। हम किसी फोन को भी होस्ट फोन या किसी फोन को भी हम पार्टिसिपेंट फोन नहीं कह सकते, क्योंकि हम किसी भी फोन से चैट कर सकते हैं, दोनों के पास सेम ही परमिशन होगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपने साइन इन पे क्लिक करना है। आपका दोनों फोन पे साइन इन होना कंपल्सरी है। आपने अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के साथ साइन इन कर लेना है। दोस्तों, अगर आपने देखना है कि आपने जूम ऐप पे कैसे साइन अप करना है, तो उसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और उसका लिंक अभी आप आई बॉक्स पे क्लिक करके भी देख सकते हो। दोस्तों, साइन इन करने के बाद कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलती है कॉन्टैक्ट्स, चैनल एंड प्लस की। तो प्लस के साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड ए कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। ऐड ए कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दूसरे फ्रेंड का ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कहाँ से डालना है। तो उसके लिए आपने दूसरे फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट शो होगा और उसके बाद ईमेल एड्रेस शो होगा। एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को ये ईमेल आईडी शेयर कर देना है। जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी शो हो रहा है, इस ईमेल आईडी को दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है। और अभी मैं फर्स्ट फ़ोन से ईमेल आईडी को फिल कर रहा हूँ। फिल करने के बाद ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैसेज आ गया, एन इनविटेशन हैज सेंट टू deepdult@gmail.com। और दोस्तों, दूसरे फ़ोन पे भी नोटिफिकेशन शो हो गई है कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट की। तो अभी हमने सेकंड फ़ोन से क्या करना है, सेकंड फ़ोन से हमने मीट एंड चैट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम मीट एंड चैट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट की ऑप्शन आ रही है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी डिक्लाइन एंड एक्सेप्ट की। तो अगर आप यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हो, तो फर्स्ट फ़ोन में कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा। दोस्तों, दोनों ही फ़ोन में कॉन्टैक्ट ऐड हो गए हैं। जब आप कॉन्टैक्ट को ओपन करते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलती है मीट की। मीट मतलब कॉलिंग की, वीडियो कॉल की। उसके बाद फ़ोन की ऑप्शन मिलती है, लाइक आप फ़ोन की तरह कॉलिंग करना चाहते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे ऑप्शन मिलती है चैट की। अगर आप चैट करना चाहते हो, तो आपने चैट पे क्लिक करना है। चैट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से मैसेज सेंड करना है। जैसे हाय का मैसेज सेंड कर रहा हूँ, जैसे आप हाय का मैसेज सेंड करते हो, तो दूसरे पार्टिसिपेंट के पास भी मैसेज शो होता है। दोस्तों, दूसरे पार्टिसिपेंट के पास भी मैसेज शो हो रहा है और दूसरा पार्टिसिपेंट भी यहां से मैसेज सेंड कर सकता है। दोस्तों, अगर हम मेन स्क्रीन से देखेंगे, तो हमें यहां से मीट एंड चैट की स्क्रीन से दोनों फोन से ऐसे दिखाई देगी हमारी चैट। तो दोस्तों, जो भी आप कॉन्टैक्ट यहां पे ऐड करोगे, सभी कॉन्टैक्ट यहां पे आपको शो होंगे। और दोस्तों, अगर आप इस स्क्रीन से चैट को ओपन करना चाहते हो, तो आपने कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद आप चैट कर सकते हो। आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हो, तो आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। आप यहां से वीडियो मीटिंग भी कर सकते हो, फ़ोन कॉल भी कर सकते हो, कैमरा के थ्रू पिक भी क्लिक कर सकते हो, एंड फोटो एल्बम पे क्लिक करके अपनी डिवाइस से कोई पिक भी सेंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इस पिक को सेंड कर रहा हूँ। यहाँ से आपने पिक्स सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद डन करना है, एंड यहाँ से आप पिक सेंड कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर आप कोई फाइल लाइक पीडीएफ फाइल सेंड करना चाहते हो, या कोई अदर टाइप की फाइल सेंड करना चाहते हो, तो आपने यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करना है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फाइल सेंड कर सकते हो। और दोस्तों, दूसरे फ़ोन में फाइल्स रिसीव हो गई हैं। जैसे हम दूसरे फ़ोन पे क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पे फाइल्स रिसीव हो गई हैं, जो हमने सेकंड फ़ोन से सेंड की थी। दोस्तों, जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो, तो
जो फाइल है वो प्रॉपरली ओपन हो जाती है फुल स्क्रीन में। आफ्टर दैट अगर आप इस फाइल को किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है एंड फाइल शेयर भी हो जाएगी, फाइल सेव भी हो जाएगी, फाइल सेव एज इमोजी भी हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ही आप दूसरी फाइल पीडीएफ को भी यहां से ओपन कर सकते हो, पीडीएफ फाइल भी यहां से ऐसे ही ओपन हो जाएगी और उसके बाद आप इस फाइल को शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप कोई इमोजी ऐड करना चाहते हो तो आपने इमोजी पे क्लिक करना है और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इमोजी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी इमोजी यहाँ पे सेंड कर सकते हो एक दूसरे को। और दोस्तों उसके बाद अगर आप कोई वॉइस मैसेज सेंड करना चाहते हो तो आपने माइक्रोफोन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने होल्ड टू टॉक पे क्लिक करना है एंड रिकॉर्ड ऑडियो को अलाउ कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपने होल्ड टू टॉक पे क्लिक करना है और आपका जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। मेरा मैसेज इसलिए सेंड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है। दोस्तों टॉप पे ऑप्शन मिल रही है वीडियो कॉल की एंड ऑडियो कॉल की। दोस्तों अगर आप चैट को डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने बैक पे क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद जिस कॉन्टैक्ट के साथ आप चैट कर रहे हो उस कॉन्टैक्ट को आपने लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी डिलीट कन्वर्सेशन की, तो आपकी तरफ से कन्वर्सेशन डिलीट हो जाएगी। अगर सेकंड पर्सन भी चैट को डिलीट करना चाहता है तो उसने बैक पे क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट के सामने लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद डिलीट कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, मार्क एज अनरीड भी कर सकते हो, नोटिफाई वीम बैन अवेलेबल पे भी क्लिक कर सकते हो एंड स्टार कॉन्टैक्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी डिलीट कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। दोस्तों जब भी आपने जूम पे चैट स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने एक बार साइन इन कर रखा है तो आप किसी भी समय लाइक व्हाट्सएप जूम को ओपन कर सकते हो। आपको वहाँ पर आपके सेव्ड कॉन्टैक्ट शो होंगे, आप किसी भी टाइम चैट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी कोई जूम ऐप के रिलेटेड क्वारी है तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका टॉपिक यूजफुल है तो मैं उस पर वीडियो भी क्रिएट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।